सो जिस्मों की चाहत तो हर किसी को होती है और हर रोज़ होती है, पर ये चाहत जो मेरी है वो तुम सब की चाहत से थोड़ा परे है। अब इबादत और चाहत का फ़र्क समझाने का समय तो मेरे पास बहुत है, पर आपके पास समझने का शायद ना हो, तो इन सब बातों को समेटते हैं फिर किसी और मुलाकात में मुकम्मल करने के लिए, और लेके चलते हैं आज एक दफ़ा फिर आपका दामन थाम के चंद कुछ लम्हों की ओर जो आज़ाद करके फिर कैद किए गए हैं ताकि उन्हें आपसे मुकम्मल किया जा सके इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। सो आज का ये जो सफ़र है ये नया बेशक है, पर हम सफ़र वही पुराने हैं। मैं, मेरी तन्हाई, मेरी चाय और गौरव भाई। अक्सर मैं चला जाता हूँ भीड़ से दरकिनारा कर अकेले खुद में ही खुद से मिलने, क्योंकि ये शौक़ जिसे लोग पागलपना समझते हैं खुद से बतियाने का मेरे में बेशुमार है। पता नहीं क्या है बट कुछ तो है जो बहुत कुछ कहता है और लगातार कहता ही रहता है, शायद इसको सुनने वाला चाहिए। तो इसकी सुनने के लिए मैं अपना बस्ता बांधता हूँ और चला आता हूँ इन पहाड़ों के पास, क्योंकि इन वादियों को भी कोई बोलने वाला चाहिए। तो मेरा जी इनसे जी भर के बोल लेता है और ये जी भर के चुपचाप सब कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और दूसरी चीज़ जो मेरे दिल को सुकून पहुंचाती है वो ये बाइक का हैंडल जिसका एक्सेलरेटर को जब भी मेरी उंगलियां प्यार से चूमती है और काफ़ी नज़ाकत से इस्तेमाल करती है तो ये भी बस मुस्कुरा उठती है और बस चल पड़ती है मेरे सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए। आप में से चंद लोग शायद इस एक एहसास से, इस एक जज्बात से अच्छी तरह रूबरू होंगे जो बाइक चलाते हैं कि इस काम की खुशी ही इस जहाँ में कुछ अनोखी सी है। ये आसमान को चूमता हुआ सुंदर पहाड़, ये हसीन वादियाँ और मुंह को चूम कर गुजरती हुई ये हवा जो तुम्हारा तुमसे कुछ लेकर इन पहाड़ों में कहीं गुम कर देती है। So finally we reach from here. We have to hike all the way up there on that cliff, and there we are going to set our base camp and we have to spend the night there. खैर मेरी बातों का कारवां तो चलता ही रहेगा, तब तक इन जवानों से पूछ लिया जाए कि रात बसेरा करने के लिए किधर की ओर रुख किया जाए। वैसे I'm damn enthusiastic and passionate guy जब भी कैंपिंग की बात आती है। चाहूँ तो इन दोनों को अकेले कंधों में उठा के चोटी में ले जाऊँ, पर खैर छोड़ो, बेवजह ताकत की नुमाइश अक्सर कमज़ोर लोग किया करते हैं। तो सब अपना अपना सामान उठाएं, यही बेहतर होगा सबके लिए, और चलते हैं सामान कंधे पे लाद कर इसके लिए मंजारों की चढ़ाई को चढ़ने के लिए। खैर सफ़र थकावटी तो था, पर उस काम में मेहनत से नहीं लगती जिस काम से दिल लगी होती है, और जिस काम से दिल लगी होती है उस काम को काम नहीं कहा जाता। काश आपको महसूस करा सकता कि कितना कुछ होता है यहाँ शहरों से दूर ट्रैफिक के परे महसूस करने के लिए। बस कंडीशन इतनी है कि एक दिल चाहिए और धड़कता होना चाहिए जो इन धड़कते हुए पेड़ों की धड़कनें खुद से महसूस कर सके। फिर इन्हें महफूज करने के लिए जगह जगह में बोर्ड नहीं लगाने पड़ेंगे, डू नॉट लिटर हेयर, सेव नेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस डूबते सूरज के साथ अंदर बहुत कुछ उगता है, अपने डूबते डूबते भी अंदर के सारे तूफ़ान एकदम शांत कर देता है। मन करता है किसी तरह ये वक्त बस हमेशा के लिए यहीं सिमट जाए और बस इसका जाना हमेशा के लिए यहीं थम जाए, और थम जाए सब कुछ जो भी शाम को रात में तब्दील करने वाला है। पर फिर दूसरा ख्याल कहता है आज जन्म नहीं देगा तो कल किसके लिए वापस लौट के आऊँगा। शायद उम्मीद का चिराग भी इस उम्मीद में जलता है कि कहीं वो किसी को नाउम्मीद ना कर दे। पता नहीं लाइफ में, खैर लाइफ तो उसके हिसाब से बहुत बड़ी है। ये कह लो हर दिन में ना जाने कितनी बार हम मायूस होते हैं, कितनी बार कोसते हैं खुद को, हालातों को, फिर सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है दोबारा बिगड़ने के लिए। और ये चलता ही रहता है। इट इज़ ऑल अ साइकिल। तो हो सकता है जो आज आपको एक छोटा सा किस्सा लग रहा हो वो आपकी ज़िंदगी में आगे जाके पूरी कहानी का मेन क्लाइमेक्स बने और वो मोड़ बने जो शायद उस समय आपने नहीं लिया होता, तो पूरी कहानी ही कुछ और होती। खैर, ये कहानियों का सिलसिला और हमारी गुफ्तगू तो चलती ही रहेगी। फ़िलहाल के लिए अपने नाजुक कंधों से ये बोझ हल्का कर लूँ मैं ज़रा। आखिरकार जगह मिल ही गई कैंप पिच करने के लिए। तो वक्त की नज़ाकत को समझते हुए और इस ठंड में बिना छत के रात गुजारने के ख्याल के खौफ से खुद को मोटिवेट करते हुए सारी थकान को पोस्टपोन करके सिर्फ टेंट पिच करने में फोकस करते हैं फ़िलहाल के लिए। दिन भर के बेहद खूबसूरत पर थकावटी सफ़र के बाद रात को इस बेहद ठंडे इलाके में सर छुपाने का इंतज़ाम करने के बाद ख्याल आया कि यार सुबह से भूखे पेट ये सब कर रहे हैं और गाइस ट्रस्ट मी वी वर ऑलमोस्ट डेड भूख से। तो बस कुछ भी करके फटाफट पेट में कुछ डालना था, अब भले ही वो पक्का हो या कच्चा, इससे ना हमारे पेट को कुछ मतलब था और ना हमें। तो हमने वही चीज़ बनाने के लिए चुनी जिसमें ज़्यादा ना वक्त लगता है और ना ज़्यादा दिमाग। हाँ, खिचड़ी। एंड सॉरी गाइस, वो चावल शायद थोड़े से कच्चे रह गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। वैसे इतनी भूख में ना हमें ये ख्याल आया कि चावल ढंग से पके हैं कि नहीं और ना ही ये ख्याल आया कि समय क्या हुआ है। बस फ्लो के साथ सब कुछ होता रहा और हमने सब कुछ उसके हिसाब से होने दिया। इस कड़ाकेदार ठंड में पेट भरने के बाद हम सब ने सोचा तो बहुत कुछ था, बट जब पेट भर गया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाके वो सब करे जो सोच के रखा था। और यहाँ रात के सुकून भरे चादर ने कब हमें अपनी आहोश में लेके सुला दिया कुछ पता ही नहीं चला। पर एक बात तो पक्की है, उस रात की नींद में कुछ बात ही अलग थी। भले ही ना पूरा बिस्तरा था ना पैर फंसाने के लिए मन मुताबिक जगह, पर फिर भी अंदर सुकून था और एक शांति थी। देखते ही देखते रात भी गुजर गई और जब सुबह आँख खुली तो नज़ारा देखते ही बनता था। पहाड़ों का सीना चीरती हुई साए साए की हवा जब टेंट के रूफ से छन के हमारे कानों तक पहुंच रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि ऐसा संगीत ना कभी सुनने को मिला है और ना कभी मिलेगा। देखो इन पहाड़ों को मैन। हाँ, एक बात और, सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए बेहद खूबसूरत सा तोहफ़ा टेंट के एंट्रेंस में बैठ के वेट कर रहा था। और जैसे ही मैंने टेंट से बाहर निकलने के लिए चैन खोली तो ओह मैन, आई फाउंड दीज टू डार्लिंग्स आउट देयर वेटिंग फॉर मी। और हमारे कंडारी जी भी तब तक उठ चुके थे। तो दिन की शुरुआत मार्शमैलो के साथ करते हुए हम दोनों कुछ देर बस बैठ के सुंदर सीनरी का लुत्फ़ उठाने लगे हमारे दो नए मेंबर्स के साथ। उसके बाद या माई बॉडी वॉज क्रेविंग फॉर कैफीन। शरीर की थकावट दूर करने के लिए और खुद को एक्टिव करने के लिए वी डिसाइड टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन दिस ब्यूटीफुल ऑरा। सो हमने कॉफ़ी बनाई, गौरी भाई को उठाया और रूबरू करवाया इस जन्नत से और टेंट से थोड़ा सा आगे क्लिफ में बैठ गए और सुनते रहे इन हवाओं को। रूबरू करवाया इस जन्नत से और टेंट से थोड़ा सा आगे क्लिफ में बैठ गए और सुनते रहे इन हवाओं को, जो भी ये कहना चाहती थी। दो पल के लिए तो मानो सब कुछ ब्लैंक हो गया था और मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहा कि मैं हूँ भी कि नहीं। बस इस सुंदर घाटी में मेरा मन मेरे वजूद की तलाश में निकल पड़ा था, जो अक्सर निकल जाया करता है। वैसे मन तो बहुत कर रहा था कि दिन भर बस यहीं बैठे रहें और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाते रहें, पर क्या करें, भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी और इधर मम्मी तो थी नहीं कि आवाज़ मारो और आपका नाश्ता हाजिर। तो फिर हमने अपने आप को समेटा और दोबारा चल दिए फायरप्लेस के पास कुछ बनाने के लिए। बट बनाने से पहले जो सबसे टफ़ काम होता है इधर इन जंगलों में, वह है आग लगाने का। काफ़ी है। यू हैव टू मेक श्योर सब कुछ कैलकुलेटेड वे में हो, अदरवाइज वन मिस्टेक एंड यू गोना एंड अप इन ब्लंडर। समय समय में आग में फूंक मारते रहें जिससे उससे पर्याप्त अमाउंट में ऑक्सीजन मिलते रहे। तो अब आग लगाने के बाद बीकर पे सफिशिएंट अकाउंट में पानी डालने के बाद आई हैव टू पुट दिस मैगी इनटू इट। अकॉर्डिंग टू माई रेसिपी पहले मसाला फाड़ें, अच्छे से मिक्स करें एंड देन नूडल्स लें, ब्रेक करें एंड देन पकने दें। 2 मिनट से ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको कम भूख लगी हो तो। So finally, it is done. We are all set to eat. Man, this Maggie tastes awesome with this toast, which we cooked on a stone. और बता दूँ ये क्रिएटिव इंसान और कोई नहीं गौरव है। इसी का आइडिया था ये पत्थर पे टोस्ट बेक करने का। After we had our breakfast, time था quality time spend करने का, जो मुझे करना था इन प्यारे बच्चों के साथ और कंडारी जी को करना था इन वादियों में। तो वो अकेले जाकर बैठ गए क्लिफ में। How cute they are man। और मैं बता दूं जो ये प्यारा सा बेबी मेरी गोदी में बैठा है और आपको बहुत मासूम सा दिख रहा है। आई ऑलमोस्ट रन फॉर हाफ एन आवर टू होल्ड हिम एंड फाइनली जब गोद में आया तो इतना भोला बनकर बैठ गया जैसे कुछ किया ही नहीं। खैर इनको इनकी मस्ती में छोड़कर चलते हैं कंडारी जी एंड गौरव भाई के पास। कंडारी जी एज यूजुअल जहाँ छोड़े थे वहीं हैं और गौरव भाई जा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग करने या फिर बेस जंपिंग के लिए। आई डोंट नो मैन, डोंट इवन थिंक ऑफ इट। मैं नहीं आऊँगा नीचे वापस उठाने के लिए तुझे। तो कूदने की सोच रहा है तो वापस आने का इंतज़ाम पहले से सेट करके जा। कंडारी जी जो साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखते हैं और काफ़ी साफ़ सुथरे भी रहते हैं, उन्हें कंसर्न हो रहा था कि टेंट की ये गंद जो सबने मचाई है कब साफ़ होने वाली है। करते हैं मैन, रुक जाओ। इतने प्यारे बच्चे रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़ लेट मी स्पेंड माई टाइम विद देम अच्छे से यार। इन सबको साथ में देखकर तो मानो एक अलग ही हैप्पीनेस अंदर से उमड़ रही थी एंड दे रियली मेक दिस कैंपिंग सो ऑसम विद देयर प्रेजेंस। मेरे लिए तो खासकर बिकॉज आई लव टू बी अराउंड एनिमल्स। मैन काफ़ी अपनापन लगता है। Oh my baby, what you doing? खैर सारे साथियों को शुक्रिया इस सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ चंद लम्हे पसंद आए होंगे जो हमने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की। तो अलविदा चाहूँगा आपसे। ओए नहीं, नॉट फ्रॉम यू बेबी, आपसे नहीं बोल रहा। Daddy is with you, not going. Look, man, this is fucking awesome.